नमस्कार मेरे भाई बहन, मेरे दोस्तों। प्राजक्ता एक पुष्प देने वाला वृक्ष है। इसे हरशिंगार, शेफाली, सिउली आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए इसकी विशेषता के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। हरशिंगार के फूल बेहद सुगंधित, छोटे पंखड़ियों वाले और सफ़ेद रंग के होते हैं। फूल के बीच में चमकीला नारंगी रंग का इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यह फूल सिर्फ रात को ही खिलता है, इसीलिए इसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन भी कहते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा साथ बना रहे और हमारी दोस्ती बनी रहे। चलिए अब बात करते हैं हरशिंगार के कुछ औषधीय गुण और उसके लाभ के बारे में। हरशिंगार एक औषधि के रूप में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। हरशिंगार के पत्तों का जूस पीने से न केवल रक्त साफ होता है, बल्कि खून संबंधी विकारों में भी फायदा मिलता है। हरशिंगार के फूल की पत्तियों का उपयोग अक्सर मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों का जूस के इलाज में प्रभावी होता है। पारिजात की पत्तियों के रस मलेरिया के परजीवों को मारने में लाभकारी होता है। खासतौर पर यह प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम के खिलाफ अधिक उपयोगी होता है। पारिजात के फूल ही नहीं, इसकी पत्तियों का भी पेस्ट मलेरिया में फायदेमंद होता है। हरशिंगार के पत्तों का जूस पीने से न केवल पाचन शक्ति में सुधार आता है, बल्कि पेट के कीड़े भी मरते हैं, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है। अगर आप पेट के कीड़ों को मारने की दवा का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये कभी कभी हरशिंगार के पत्तों के जूस का सेवन करते रहें, इससे दोबारा कीड़े होने से रुकेंगे। हरशिंगार के पेड़ के पत्तों का रस डायबिटीज में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके पत्तों के रस का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। ध्यान रहे कि पारिजात का उपयोग या अन्य कोई भी डायबिटीज़ के घरेलू उपाय करने का मतलब यह नहीं है कि आप डॉक्टर से अपना इलाज बंद कर दें, उसे जारी रखना भी बेहद आवश्यक है। यह गंजापन, स्कर्वी रोग और सिर की त्वचा के संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। यह बालों से जू खत्म करने, डैंड्रफ का इलाज करने और सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। हरशिंगार के फूलों का रस पीने से बाल मजबूत व लंबे तो होते ही हैं। यह सूखे व बेजान बालों को पोषित कर उन्हें लंबे, चमकदार और घने बनाते हैं। यह रूसी का भी एक प्रभावी उपचार है। हरशिंगार एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल जड़ी बूटी है। यह विभिन्न प्रकार के त्वचा संक्रमण, एलर्जी और चकित्ते का इलाज करता है। हरशिंगार का तेल त्वचा संबंधित विकारों के लिए बहुत उपयोगी है। यह दाग धब्बों को भी मिटाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके पत्तों का लेप भी त्वचा पर लगाया जाता है। इसका फेस पैक चेहरे पर लगाने से रंग साफ और गोरा होता है। अगर आपको कोई छोटा सा घाव है तो हरशिंगार के पत्तों का लेप उस पर लगाने से घाव थोड़े ही समय में भर जाते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको कोई चोट लगी है तो चोट का प्राथमिक उपचार आवश्यक है, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। प्राथमिक उपचार के बाद हरशिंगार के पत्तों का इस्तेमाल अवश्य ही लाभदायक होगा। हरशिंगार में एंटी रूमेटिक गुण होते हैं, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां गठिया के इलाज में लाभकारी होती हैं। पारिजात का तेल दर्द, चोट और सूजन को कम करने के लिए बहुत गुणकारी होता है। इतना ही नहीं, यह गठिया तनाव, मांसपेशी में तनाव, संधि शोध और मांसपेशियों को दर्द को भी कम करता है। हरशिंगार के पत्तों, फूलों व टहनियों का मिश्रित रस रोज पीने से जोड़ों के दर्द व सूजन से राहत मिलती है। इसके फूलों का लेप जोड़ों पर लगाने से सूजन पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके साथ ही एक कटोरे में नारियल तेल और पारिजात के तेल की 5-6 बूंदों को मिलाएं, फिर इसे गर्म करें और सूजन वाले क्षेत्र पर इस मिश्रण को मालिश करें। इससे भी आपको दर्द से राहत मिल सकती है। साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें कमर से पैर तक गंभीर दर्द होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चलने में कठिनाई होती है। चाहे साइटिका कितना भी गंभीर हो, आपको पारिजात की पत्तियों के काढ़ा का नियमित रूप से प्रयोग करने से इस बीमारी से राहत मिलेगी। पारिजात के सूखे पत्तों का चूर्ण पानी के साथ सुबह शाम लेने से भी साइटिका के दर्द से आराम मिलता है। हरशिंगार अस्थमा, सुस्त खांसी और ब्रोंकाइटिस इत्यादि के कारणों से होने वाले रक्त संकुलन यानी कंजेशन से राहत दिलाने में मददगार है। खांसी से आराम पाने के लिए हरशिंगार के सूखे पत्ते या उसकी छाल के पाउडर को पान के पत्ते के रस में मिलाकर 2-3 ग्राम ही प्रयोग करें। यदि आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो इसके पत्तों के रस का शहद के साथ सेवन करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। चाहे बुखार कितना ही पुराना क्यों ना हो, हरशिंगार के पत्तों का रस पीने से वह जड़ से खत्म हो जाता है। हरशिंगार के पेड़ की 2 ग्राम छाल, 2 ग्राम पत्तियों और 2 से 3 तुलसी के पत्तों को ले लें, 1 गिलास पानी में उबाल लें, फिर सुबह और शाम को इस काढ़े का उपयोग करें। यह कमजोरी और शरीर के दर्द से भी राहत प्रदान करता है तथा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है। हरशिंगार के ताज़ा फूलों के रस का सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। आमतौर पर बवासीर, गुदा और उसके आसपास रक्त वाहिकाओं में सूजन के कारण होता है। हरशिंगार के बीज बवासीर का एक अचूक उपाय है। प्रतिदिन इसके बीज का पेस्ट बनाकर लगाने से मल त्याग में सहायता मिलती है और थोड़े से वक्त में बवासीर जैसी गंभीर दर्दनाक बीमारी भी ठीक हो जाती है।